और अब कवर्धा का जिक्र कर लेते हैं, जहां युवक कांग्रेस का जमकर प्रदर्शन देखने को मिला है। बेरोजगारी और बढ़ते अपराध को लेकर आक्रोश है। भारत माता चौक में सभा के बाद यहां पर रैली भी निकाली गई। कवर्धा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बेरोजगारी और बढ़ते अपराध को लेकर ये प्रदर्शन हुआ है और पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प अभी देखने को मिली है। पुलिस ने हालांकि बाद में प्रदर्शनकारियों को रोका है। युवक कांग्रेस की तरफ से यह हल्ला बोल किया गया था और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यूथ कांग्रेस जो है वो सड़कों पर उतरी और प्रदर्शन करती हुई नजर आई। पहले एक सभा की गई और उसके बाद एक रैली निकाली गई, लेकिन इसी दौरान पुलिस से इनकी कुछ थोड़ी बहुत झड़प भी यहां पर देखने को मिली। बाद में पुलिस ने इन्हें रोक लिया। तो ये कवर्धा से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रदर्शनकारी जो हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए। दरअसल आपको बता दें कि यह हल्ला बोल जो किया गया है युवक कांग्रेस की तरफ से, ये जो प्रदर्शन किया गया बेरोजगारी के लिए और प्रदेश में लगातार अपराध में जो इजाफा हो रहा है, इसी बात को लेकर यह प्रदर्शन किया गया है। वैसे भी अवंतिका, लोकसभा चुनाव करीब है और पॉलिटिकली एक्टिव होना बहुत जरूरी है, रिचार्ज करना जरूरी है कार्यकर्ताओं, और इसी के चलते आज ये तस्वीरें सामने आती है, युवा कांग्रेस का जमकर आक्रोश। इस प्रदेश के गृह मंत्री एवं कवर्धा विधानसभा के विधायक के क्षेत्र में बेलगाम अपराध बढ़ते जा रहे हैं। पहले सादरा में आलोक हत्या कर दी जाती है, नागर डबरा में राष्ट्रपति दत्तक बुद्ध आदिवासियों की परिवार की हत्या हो जाती है, फिर हत्या हो जाती है जब एसपी ऑफिस के 100 मीटर दूरी पे दो महिला लाश मिलती है। प्रदेश की सरकार बने 3 महीने हुए हैं, गृह मंत्री का क्षेत्र है बेलगाम अपराध। दूसरा, जो हर वर्ग को सरकार के द्वारा वादा किया गया था, मोदी की गारंटी बताई गई थी, वो जुमला साबित हो रहा है, किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को, उसी के विरोध में कवर्धा जिला यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में, एनएसयूए के नेतृत्व में हम लोग आज उनका रैली ग्रुप में आए थे और हम लोगों की मांग थी कि पीड़ित परिवारों को न्याय मिले। गृह मंत्री के जिले में 8-8 हत्याएं 2-2 महीने में हो रही है, उसकी जांच नहीं हो रही है, परिवार के लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। उसकी हम लोग सादराम वाले मामले में, सादराम जी की जो हत्या हुई उसमें हम लोग CBI जांच की मांग करते हैं, और जो नागाडबरा में जो कांड हुआ है उसमें हम लोग चाहते हैं कि उसकी भी न्यायिक जाँच हो, और लगातार पुलिस प्रशासन की जो इसमें लीपअप होती है, जो लगातार जो निष्पक्ष रूप से जाँच नहीं हो रही, उसको लेकर हम लोग आज कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन देना चाह रहे हैं सरकार को, और अगर हमारी मांग जल्द से जल्द पूरी नहीं हुई तो इस मामले को लेकर हम लोग राजधानी तक भी प्रदर्शन करेंगे। और अब छत्तीसगढ़ के बिरनपुर मामले का जिक्र करेंगे। मामला निश्चित ही आपको याद होगा, लेकिन इस मामले को लेकर अब फिल्म बनाने की तैयारी की जा रही है। साजा के विधायक जो है ईश्वर साहू, उनसे फिल्म बनाने की अनुमति दरअसल मांगी गई है। इस बात की जानकारी विधायक ईश्वर साहू ने दी है। तो जल्द ही इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो जाएगी। इस प्रकार की भी खबरें भरपूर गरमाया, राजनीतिक तौर पर भी यह मामला, और अब इस पर फिल्म बनेगी। में बिरहनपुर मामला बहुत चर्चित मामला रहा है, अब उस पर मूवी बनने जा रहा है। हमारे साथ है विधायक ईश्वर साहू, जिनसे मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री ने फिल्म बनाने की अनुमति मांगी है। बिरहनपुर का पूरा घटना आपसे जुड़ा हुआ है, आपकी बेटे की मौत हो गई थी, इसके बाद आप विधायक बने हो, किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है, उस पर फिल्म बनाया जा रहा है, कोई संस्था आपसे अनुमति लेने के लिए आई थी? जी आए थे, हिंदी पिक्चर फिल्म के भी निर्माता आए थे, उसमें भी मेरे से अनुमति मांगी, मैंने अनुमति दे दिया, लेकिन एक चेतावनी दिया कि कोई गलत नहीं होना चाहिए, जो सही है, सच्चाई है, वही बनाना। अगर मेरे जीवन किसी के काम आ रहा है, मेरे जीवन कहानी, मेरे परिवार का, मेरे घर का, मेरे बच्चे का, किसी की मनोरंजन हो रहा, किसी को सीख दे रहा, तो अच्छी बात है, ये समझ को मैंने अनुमति दे दी जी। फिल्म में किस तरीके से चीजों को आपने ना लाने की बात उसमें कही है, सच्चाई तो। और बात नर्मदापुरम की, जहां सीवर लाइन गड्ढे में एक मजदूर फंस गया। नर्मदापुरम की नंद विहार कॉलोनी की पूरी घटना है। बताया जा रहा है कि 12 फीट गहरे गड्ढे में ये मजदूर फंसा हुआ है। अब पुलिस समेत SDRF की टीम मौके पर पहुंची हुई है। तस्वीर मौके की आपको दिखा रहे हैं। मजदूर को निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ा ये दृश्य आपकी ठीक स्क्रीन पर। सीवर लाइन गड्ढे में मजदूर फंस गया था, आसपास भी हड़कंप मचा, लेकिन फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए SDRF की टीम यहां पर पहुंची है। रेस्क्यू लगातार चल रहा है। 12 फीट गहरा ये गड्ढा, इसमें मजदूर फंसा हुआ है, निकालने का प्रयास लगातार जारी है। ये तस्वीरें आप देखिए, यही वो क्षेत्र जहां पर गड्ढा खोदा जा रहा था। सीवर लाइन गड्ढे में मजदूर फंस गया। आसपास जिन लोगों को आप देख रहे हैं वो SDRF से जुड़े हुए पुलिसकर्मी भी यहां पर मौजूद हैं। प्रशासनिक अमला तैनात है, प्रयासरत है लगातार इस मजदूर को निकाला जा सके।
तो तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं, सीवर लाइन गड्ढे में ये मजदूर फंस गया। शैलेंद्र कौरव हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे ताजा अपडेट लेते हैं। शैलेंद्र, इस रेस्क्यू के बारे में क्या जानकारी, कितनी देर में मजदूर को निकाल लिया जाएगा? जी, नर्मदापुरम में सीवर लाइन खोदने का जो काम है वो भुगन इंफ्रा द्वारा किया जा रहा था और इस समय जो है ये जो दृश्य है वो उसी सीवेज लाइन का है। 12 फीट तकरीबन गहरा गड्ढा है और जिसमें जो श्रमिक है वो फंसा हुआ है, ऐसी जानकारी मिली है पुलिस से कि परवलिया थाना भोपाल जो है उसके अंतर्गत निवासी अकील जो है वो श्रमिक का नाम है और उसे रेस्क्यू करने का प्रयास जो है यहाँ पर SDRF की टीम कर रही है। पुलिस के अधिकारी भी यहां पर मौजूद हैं लेकिन प्रशासन का फिलहाल कोई भी अधिकारी यहां पर मौजूद नहीं है। SDRF, होमगार्ड और पुलिस जो है वो मौके को संभाले हुए हैं। काफी लोगों की भीड़ लगी हुई है और जो कंपनी है भुगन इंफ्रा उसका भी कोई अधिकारी यहां पर मौजूद नहीं है। लगातार इस प्रकार का काम चल रहा है पूरे शहर में, अंडरग्राउंड सीवर ट्रीटमेंट लाइन जो है। और ये इस स्थिति को ठीक नहीं कहा जा सकता, इतनी बड़ी घटना हुई और यहाँ पर कोई अधिकारी जो है वो तक यहाँ पर नहीं पहुंचा है। आप नजर बना के रखिएगा। शुक्रिया शैलेंद्र। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, वक्त एक ब्रेक का।